यूपी के चंदौली में रेल कर्मी से दिनदहाड़े 8 लाख रुपए की छिनैती की घटना सामने आई। जिला मुख्यालय पर हुई इस घटना में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही क्राइम ब्रांच, सदर कोतवाली पुलिस और सीओ सदर मौके पर पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए। दरअसल मुगलसराय रेलवे में कार्यरत बिहार के रोहतास जिले के शिवसागर इलाके के निवासी शिवशंकर सिंह ने जमीन खरीदने के लिए SBI से लोन लिया था। चंदौली स्थित भारतीय स्टेट बैंक की शाखा से एक बैग में 8 लाख रुपए लेकर बाहर निकले ही थे कि बाइक सवार दो बदमाश उनका थैला छीनकर भाग निकले। शिवशंकर सिंह ने शोर मचाया, लेकिन जब कोई कुछ समझ पाता बदमाश आंखों से ओझल हो गए। पीड़ित की तहरीर पर मामला दर्ज कर पुलिस CCTV फुटेज खंगाल रही है ताकि जल्द मामले का खुलासा हो सके। स्टेट बैंक से बैंक पैसा 8 लाख रुपया लेकर गेट पर गए, जो मोटरसाइकिल पर 2 गो सवार था, बैग हमारा लेकर भागा, उसमें 8 लाख रुपया, और हालांकि तो कोई वहाँ दौड़ा नहीं। क्या करते हैं? अब रेलवे में वहाँ मोड़ सर्विस सर्विस करते हैं। किस लिए पैसा निकाल के जमीन खरीदने के लिए आदमी को बुलाया था, पैसा देने के लिए वो आदमी भी आया था। शिवशंकर पटेल जी मुगलसराय के रेलवे में रहने वाले हैं और रेलवे में सर्विस करते थे। उनको ज़मीन दिखानी थी, कल ही उनका लोन पास हुआ है और वो आज बता रहे हैं कि बैंक से 8 लाख रुपया लेकर के चले। जैसे ही गेट से बाहर निकल के 10 कदम गए हैं तब तक उनके साथ में एक लड़का और था जो कि गांव का ही उनका भतीजा था, वो चला गया पेशाब करने के लिए और उसी बीच दो आदमी आए हैं मोटरसाइकिल से और इनका बैग ले लिए। पुलिस उसकी छानबीन कर रही है, CCTV वगैरह देख रही है, जल्दी इसका खुलासा कर रहे हैं। CCTV फुटेज से कुछ जानकारी मिली है क्या? कुछ जानकारी हमको मिली है, वो घटना का पार्ट है। जल्द से जल्द इनका खुलासा करके गिरफ्तार करके इनकी कार्रवाई की जाएगी।